गुजरात में एक महिला कांस्टेबल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुनीता यादव नाम की कांस्टेबल सिस्टम के आगे हार नहीं मानती दिख रही। वीडियो में सुनीता राज्य के एक मंत्री के बेटे से कानून तोड़ने पर सवाल करती नजर आ रही, लेकिन मंत्री जी को सुनीता का यह सवाल नागवार गुजरा और उनके खिलाफ बदसलूकी की शिकायत दर्ज करा दी गई। शिकायत क्योंकि मंत्री जी की थी तो आनन फानन में जांच बिठा दी गई। फिलहाल सिस्टम से तंग आकर गुजरात की लेडी सिंघम ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री कुमार कनानी के कुछ समर्थक सूरत में देर रात सड़कों पर मास्क और कोरोना के लिए बने नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। कांस्टेबल सुनीता ने इन समर्थकों को रोककर पूछताछ शुरू कर दी। इतने में समर्थकों ने मंत्री जी के बेटे को फोन घुमा दिया। बेटे ने आओ देखा ना था, खुद मंत्री जी की गाड़ी में सवार होकर पहुंच गया और रौब जमाने लगा, लेकिन सुनीता इस रौब में नहीं आई और बेटे से सवाल पूछा कि मंत्री की गाड़ी में वो क्यों घूम रहा है। पहले तो मंत्री की शिकायत पर कांस्टेबल सुनीता के खिलाफ जांच बिठा दी गई थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले की जांच एसपी को सौंप दी गई है। તમારો સન છે એટલે એમની પાસે હક છે કે તમારું એમએલએ નું પેલું બોર્ડ લગાવીને તમે કાયદેસર કરો તો કરી શકો છો।